सदारती कलिमात के लिए नहायत ही अदब व एहतराम के साथ प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब की खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। आपसे गुजारिश करता हूँ कि सर तशरीफ़ लाएँ और सदारती कलिमात से हमें नवाजें। प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए, बहैसियत सदर के मैं अपना हक़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं मीम अफजल साहब से इत्तफाक़ नहीं करता कि ऊपर बैठे हुए लोग कुछ ज़्यादा अहमियत के हैं, चूँकि तराजू का जो पलड़ा भारी होता है वो हमेशा नीचे होता है, इसलिए इसको वो नहीं समझना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक माजिद देवबंदी साहब का सवाल है, मैं उनके बारे में एक बात अक्सर कह चुका हूँ, उसे दोहराने की इजाज़त दीजिए। क्योंकि बहरहाल आप एक ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जब लोग अपनी बुरी बातों को दोहराने में तकल्लुफ़ नहीं करते हैं, तो हम अच्छी बातों को दोहराने में क्यों तकल्लुफ़ करें। माजिद देवबंदी अकेले ऐसे देवबंदी हैं जिनका बरेलवी भी एहतराम करते हैं। जी, तो बुनियादी तौर पे इस बात का ख्याल रखना चाहिए। वाह वाह। तीसरी बात ये कि वो सिर्फ शायर नहीं हैं बल्कि नसर निगार भी हैं, और एक अच्छा शायर जो है वो बुनियादी तौर पे एक अच्छा नसर निगार भी होता है। उन्होंने ख्वाजा हसन निज़ामी पर अपना मकाला लिखकर जिस दीदा क्या मैं जिस फिरासत का सबूत दिया है वो हमारे सामने है। उसके बाद उनकी दूसरी किताबें भी आईं और अब हमारे सामने मेरी काविशें हैं। मेरी काविशों की जो और अहमियत है वो अपनी जगह है, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक ऐसे वक्त में जब हम असरियत हिजाब भी होती है और अजाब भी होती है, क्या मैं हमारे दोस्त माजिद देवबंदी ने अपने हमअसर शौरा और दूसरे अदीबों पर कलम उठाकर ये साबित किया है कि वो बुनियादी तौर पे इन दोनों चीज़ों पे यकीन नहीं रखते हैं, बल्कि कदरे गौहर शाह दानत या बदानत जौहरी। तो मैं उन्हें शाह तो नहीं मानता, लेकिन जौहरी की हैसियत से उन्होंने जो काम किया है उसकी आप सब लोगों से ताईद चाहता हूँ, तस्दीक चाहता हूँ, तौसीख चाहता हूँ, और इस बात के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये नसर में कलम उठाया, इसको हमारे सामने पेश किया, लेकिन जो शायर की हैसियत से उनकी बुनियादी हैसियत है उसको उन्होंने फरामोश नहीं होने दिया, और आप तमाम शोरा हजरात को यहाँ बुलाया और शायरात को भी बुलाया ताकि अपने आप के सामने वो शेर की सूरत में भी चीज़ें रख सकें। अभी सलमान भाई ने कहा, सलमान भाई कि एफआईआर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, उनके लिए ऐसी चीज़ नहीं है, हमें नहीं मानना चाहिए। बुनियादी तौर पे होता ये है कि आजकल जिसके बारे में ईडी सरगर्म ना हो, सीबीआई सरगर्म ना हो, जिस पर पुलिस सरगर्म ना हो, जिस पर एफआईआर ना हो, उसके सिखा होने पर शुबा होने लगता है। मैं सलमान खुर्शीद जो हैं वो उनके ख़ानदान की रिवायत है अपने समाज में जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे बगावत की। जाकिर साहब जामिया के बानी हों या सलमान खुर्शीद हों, ये बुनियादी तौर पे हमारे लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अल्लाह ताला इन्हें नदरे बद से बचाए, और बुनियादी तौर पे एफआईआर जो है वो उसका उसके हम समझते हैं कि जब वो सलमान खुर्शीद जैसे लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाती है तो उससे पता चलता है कि दुनिया में जिहाद जो है, मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ उस लफ्ज़ का जो उनके जिसका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, ना वहाँ पे किया था ना यहाँ पे किया था, लेकिन मैं अर्ज़ करता हूँ जिहाद जो है वो हमें अपने नफ्स से करना चाहिए,
ताकि हम अपनी बुराइयों को से लड़ सकें और मुकाबला कर सकें, और साथ में जो ज़माने के साथ हमारा रिश्ता है उसको भी उस्तवार कर सकें। मैं एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं जनाब माजिद देवबंदी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुशायरे की कामयाबी के लिए दुआ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया के चंद अल्फाज के लिए मैं बिलाल साहब से गुजारिश कर रहा हूँ।